नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना हम दीर्घकालिक आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास को आंकने के लिए लैंगिक समावेशन मुख्य कारक होता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुख्य योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे पर आधारित जेंडर बजट स्टेटमेंट अलग से प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां सबसे पहले एक दो राज्यों को छोड़कर के जहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज मंत्री था उस पर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा था मेरे पास। जब ये प्रश्न आया कि महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने कहा होना चाहिए और करना चाहिए। 50% अगर उनकी आबादी का हिस्सा है, 50% आरक्षण होना चाहिए। और 50% आरक्षण के साथ आज मैं जब देखता हूँ कि माता बहने पंचायती राज संस्थाओं में अगर चुन करके आई है, वो 50% नहीं, वो 60% चुन करके आई है, 10% और ऊपर चलेगी। आरक्षण के माध्यम से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के माध्यम से जो प्रयत्न हुआ वो तो हुआ, लेकिन अपनी प्रतिस्पर्धा योग्यता अपनी क्षमता के आधार पर भी माता बहने आगे बढ़कर के नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ आप सभी माता बहनों को। हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र आज की तारीख में ऐसा नहीं है जहाँ माता बहने नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की और गृहिणी का मतलब आप समझते हैं मेरे ख्याल में, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां हर घर गरीब के घर में भी, गरीब मां बहन के घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचा है। 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचा करके आए ताकि हमारी गरीब बहनें भी गैस की सेवा, गैस के माध्यम से खाना बना सके। पिछले बजट में हमने जितनी भी बेटी हमारी ऐसी है जो बीपीएल परिवार की है, उन बीपीएल परिवार की बेटी जब दूसरे परिवार में शादी होने के पश्चात आती है तो कुछ मदद करनी चाहिए, हमारे मन में ये भाव था। हमने एक बात कही है कि जहां गरीब होगा वहां हमारी सरकार खड़ी उसके साथ होगी, और बीपीएल परिवार की जो गरीब बेटी है जब उसकी शादी होगी, शादी के दिन हम शगुन के रूप में हम 31,000 उस बेटी के नाम करेंगे। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये होगा, सरकार की ओर से शगुन 31,000 रुपए का उस बेटी के खाते में जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 35% उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं ने महिला मंडलों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस वायरस के प्रसार पर नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, शिक्षा विभाग के जल वाहकों, जल रक्षकों, बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं, पैराफिटर और पंप ऑपरेटरों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत जलपैहड़ के सेरू में पशु अस्पताल खोलने और नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर व लड़ भड़ोल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय योरा को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक शिशु को अन्न खिलाकर अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के धर्मपुर स्थित चोलथरा में आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित महिला स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम की शिमला से वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। महिला दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का भी एक मौका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 32,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें लगभग 2,50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।
मुख्यमंत्री ने आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा समाज कल्याण की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्था ने कोरोना संकट काल के दौरान उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अभी हमने 4 दिन पहले बजट प्रस्तुत किया और उसमें आप इस बात को भी देखते होंगे कि हमने बहुत ज्यादा फोकस जो है वो मातृशक्ति पर किया है, माताओं बहनों के काम के लिए किया है। 10,000 से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हमने विशेष योजना का एक प्रावधान किया और उसमें रिवॉल्विंग फंड जो है उनको 25,000 रुपये किया और उस 25,000 रुपये से अपने काम की वो बेहतर ढंग से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से एक आय का जरिया अपने परिवार के लिए जो खड़ा करने की स्थिति में हो पाएंगे। ये बहुत नई शुरुआत हुई है। हमने माताओं के लिए वो आयु की जो सीमा जो है 65 वर्ष कर दी और 65 वर्ष के ऊपर आय सीमा में छूट देते हुए मातृशक्ति को हमने वो एक विशेष प्रयास किया और उसके अंतर्गत भी बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को पेंशन की सुविधा प्रदान की और अभी इस बजट में हमने और आगे बढ़कर के उसमें काम किया। अब की बात तो हमने 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सबको पेंशन का प्रावधान किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आंगनबाड़ी में हमारी बहनें बहुत काम करती हैं, बड़ी संख्या में काम करती हैं और उनके लिए अब के इस बजट में हमने 1,700 रुपए की वृद्धि की है जो आज तक के इतिहास में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। और ये कहते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि जहां उनको 9,000 रुपए अब मानदेय मिलेगा उसमें 4,500 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार का है और उसी प्रकार से जहां आंगनबाड़ी सहायिका है उनको भी 900 रुपए की बढ़ोतरी करके हमने मदद की है और हमने अपनी सरकार में 2,600 रुपए यानी कि 2,600 रुपए की इंक्रीज उनको दी है। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी 900 रुपए का हमने बढ़ोतरी दी है और इसी तरह से आगे बढ़कर के खास तौर से अभी आपने देखा होगा कि कोविड के इस दौर में हमारी आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया और आशा वर्कर्स ने अच्छा काम किया और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अब की बार आज तक के शायद मुझे लगता है कि पूरे देश भर में किसी प्रदेश ने एक साथ अगर सबसे ज्यादा अगर आशा वर्कर का पैसा बढ़ाया तो हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। हमने 1,825 रुपए की बढ़ोतरी एक साथ उनकी जो है प्रतिमाह की और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आशा वर्कर का जो काम रहा है वो जो सराहनीय काम रहा है उस दृष्टि से उनको सम्मानित करने की जरूरत थी उसको उनको सम्मानित किया है। सिलाई वर्कर के लिए भी हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की है और मिड डे मील में जो हमारी बहनें काम कर रही है उनको भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये दोनों बढ़ोतरियां भी आज तक के हमारे हिमाचल प्रदेश के बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरियां हैं और इस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जहां भी मातृशक्ति को हम मदद करने की स्थिति में हो सकते थे हमने उनको मदद करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आम आदमी को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया है। वे आज शिमला से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक संस्था द्वारा आयोजित प्राइड ऑफ हिमाचल वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में शिमला, सोलन और सिरमौर जिला की 429 पंचायतों की महिला प्रधानों और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्रियता सराहनीय है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं के समग्र विकास और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।